नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। तो बेबी फ्रॉक के फर्स्ट पार्ट में हमने चूड़ी बना ली थी और आज हम आस्तीन बनाएंगे। तो बॉर्डर के बाद आस्तीन में हमारे 6 फंदे थे और 16 जाले इधर से और 16 जाले इधर से बढ़ जाने से यहाँ पे हो गए हैं 38 फंदे। 32 फंदे बड़े, 6 फंदे थे, हो गए 38 फंदे। और डिवाइडर पे 2 फंदे थे, तो एक फंदे हम फ्रंट में ले लेंगे और एक फंदे आस्तीन में, और इधर भी हम एक फंदे बैक में रखेंगे और एक फंदे आस्तीन में। डिवाइडर से हमने एक फंदे ले लिए और दूसरे डिवाइडर से हमने एक फंदे ले लिए। 38 फंदे थे, एक एक फंदे दोनों ओर से ऐड हो जाने से हो गए हैं 40 स्टिचेस। और जो हम इसमें डिज़ाइन डालेंगे, उस डिज़ाइन के लिए चाहिए 6 के मल्टीपल फंदे और एक फंदा एक्स्ट्रा। उसे सेट करने के लिए हमें चाहिए 43 स्टिच। हमारे पास हैं 40 स्टिच और हमें चाहिए 43 स्टिच, यानी कि 3 फंदे हमें बढ़ाने होंगे। हम पहले यहाँ पे अपना वुल अटैच कर ले रहे हैं, तो हमने धागा अटैच कर लिया। अब हम पहला फंदा सीधा बुनेंगे। नेक्स्ट फंदे में हम एक बार सीधा बुनेंगे और फिर इसी फंदे में एक बार बैक लूप से सीधा बुन लेंगे। तो हमने यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लिया। शेष फंदों को हम सीधा बुनेंगे और इस धागे को हम ऐसे लपेटते जाएंगे। तो हमें 3 फंदे बढ़ाने हैं, तो एक फंदा हमने बढ़ा लिया, एक फंदा हम सेंटर में बढ़ाएंगे और एक फंदा लास्ट में बढ़ाएंगे। तो मैं इतना करके आपको दिखाती हूँ। तो हमने दूसरा फंदा सेंटर में बढ़ा लिया। अब देखिए लास्ट में 2 फंदे बचे हैं, तो लास्ट वाले दूसरे फंदे पे हम एक बार सामने से बुनेंगे, एक बार पीछे से बुनेंगे। तो यहाँ पे हमने तीसरा फंदा बना लिया, लास्ट फंदा सीधा बुनेंगे। तो हमने पूरी लाइन सीधी बुन ली और हमने 3 फंदा भी बढ़ा लिया। अब हमारे सिलाई पे हो गए हैं 43 फंदे। 40 फंदे थे, 3 फंदे हमने बढ़ा लिए, हो गए 43 फंदे। और रॉन्ग साइड से हम सभी फंदा उल्टा बुन लेंगे। तो हमने 2 लाइन कंप्लीट कर लिया। अब ये हमारे डिजाइन का आस्तीन का तीसरा लाइन है ये। तो अब हम डिजाइन डालेंगे। तो पहला फंदा हम या तो सीधा बुन लें या फिर स्लिप कर लें। अब हमारा ऊन दूसरी तरफ है और अगला फंदा हमें उल्टा बुनना है। ऊन हम इधर ही रखे रहेंगे और अगला फंदा उल्टा बुनेंगे, तो ये ऐसे करने से एक जाली पड़ जाएगा और उल्टा बुन लिया। तो ये देखिए हमने एक फंदा उल्टा बुन लिया और जाली भी डाल ली। अब फिर 3 फंदों को एक साथ लेंगे और तीनों को एक साथ लेते हुए उल्टा बुनेंगे। यहाँ पे हमने एक फंदा बढ़ाया था, यहाँ पे हमारा 2 फंदा घट गया। अगला फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। अब नेक्स्ट फंदा हमें सीधा बुनना है और ऊन हमारा हमारी तरफ है, तो इसे हम जाली देते हुए सीधा बुनेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 फंदे घटाए थे, 3 का एक किया था, 2 फंदे घटे थे, एक जाली यहाँ बना, एक जाली यहाँ, यानी 2 फंदे बढ़ गए, तो हमारा डिजाइन बैलेंस हो गया। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 6 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। अब देखिए ऊन हमारा दूसरी तरफ है, अगला फंदा हमें उल्टा बुनना है, तो ऐसे जब हम लाएंगे तो जाली पड़ जाएगा और ये हमने उल्टा बुन लिया। नेक्स्ट 3 फंदे हम एक साथ लेंगे, 3 फंदों को एक साथ लेंगे और हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पे हमने उल्टा बुनते हुए 3 का एक किया, अगला फंदा उल्टा, नेक्स्ट फंदा हमें सीधा बुनना है और हमारा थ्रेड हमारी तरफ है, तो जाली देते हुए सीधा। अगला फंदा हमें उल्टा बुनना है और हमारा थ्रेड जो है वो दूसरी तरफ है, तो जाली देते हुए उल्टा। अब 3 फंदों को हम लेंगे और एक साथ लेते हुए
उल्टा बुन लेंगे। उल्टा बुन लिया, अगला फंदा उल्टा, नेक्स्ट फंदा सीधा, जाली देते हुए सीधा, अगला फंदा उल्टा, ऊन हमारा दूसरी तरफ है यानी कि जाली देते हुए उल्टा। फिर तीन फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए तीन का एक कर लेंगे। नेक्स्ट फंदा उल्टा, अब अगले फंदे को हमें सीधा बुनना है और थ्रेड हमारा हमारी तरफ है तो जाली देते हुए सीधा। अब देखिए सीधे फंदे के दोनों साइड में जाली पड़ रहा है, एक हम ये उल्टा फंदा है तो हमने जाली देते हुए सीधे सीधा बुना। अब अगला फंदा उल्टा है, देखिए सीधे वाले फंदे के दोनों तरफ वाले फंदे उल्टे हैं तो हमने जाली देते हुए सीधा बुना, यहाँ उल्टा फंदा था जाली देते हुए सीधा बुना, एक जाली यहाँ पड़ा, अब दूसरा फंदा ये हमारे उल्टा बुनना है और हमारा थ्रेड इधर है तो जाली देते हुए उल्टा। देखिए सीधे फंदे के दोनों तरफ जाली पड़ा है और फिर उल्टा बुनने के बाद तीन फंदों को हम एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए तीन का एक करेंगे। फिर नेक्स्ट फंदा उल्टा, देखिए उल्टे फंदे के बीच में हमने तीन का एक किया है। अब यहाँ पे दो फंदे घटे तो हमें दो फंदा बढ़ाना भी होगा तो जाली देते, एक जाली हमने यहाँ दे दिया है, दूसरा जाली अब हम यहाँ देने जा रहे हैं जाली देते हुए सीधा। अब फिर यहाँ से दूसरा डिजाइन शुरू हो रहा है, ऊन हमारा दूसरी तरफ है तो ये एक फंदा हुआ और उल्टा बुना तो दो फंदा हो गया। तीन फंदे एक साथ लेके हम तीन का एक कर दे रहे हैं, ये हुआ तीसरा फंदा। अब ये उल्टा बुना चौथा फंदा, अब अगला फंदा हमें जाली देते हुए सीधा बुनना है तो ये पांचवा, ऐसे करेंगे एक फंदा बन जाएगा पांचवा और सीधा बुना ये छठा। इन्हीं छह फंदों को हमें दोहराना है। फिर से देखिए ऊन हमारा दूसरी तरफ है, अगला फंदा हम उल्टा बुनेंगे तो ये एक हुआ, ये जाली पड़ा, एक फंदा उल्टा बुना दो फंदा, तीन फंदों को एक साथ लिया और तीन का एक किया तीसरा फंदा, अगला फंदा उल्टा बुना चौथा फंदा और नेक्स्ट फंदा ये देखिए सीधा बुनना है हमें और हमारा थ्रेड इधर है तो जाली देते हुए सीधा, ये जाली पड़ा पांचवा फंदा और सीधा बुन लिया तो छठा फंदा। तो देखिए हमने पहली लाइन कंप्लीट कर लिया। अब रॉन्ग साइड से हमें सभी फंदा उल्टा बुनना है, सभी फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। तो हमने चार लाइन बुना, पहले लाइन में सभी फंदे सीधा, दूसरी लाइन में सभी फंदे उल्टा, तीसरी लाइन में हमने डिजाइन डाला और चौथी लाइन में सभी फंदे उल्टा। तो इन्हीं चारों लाइनों को हमें दोहराना है। एक बार फिर से देख लीजिए, पहली लाइन में हम सभी फंदे सीधा बुन लेंगे। तो हमने पहली लाइन में सभी फंदे सीधे बुन लिए, रॉन्ग साइड से हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। ये हमारे डिजाइन का दूसरा लाइन है, दूसरी लाइन में हम सभी फंदे उल्टा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से हमने सभी फंदे उल्टे बुन लिए, हमने दो लाइन कंप्लीट कर लिया। तीसरे लाइन में हमें डिजाइन डालना है तो डिजाइन फिर से देख लीजिएगा, पहला फंदा या तो सीधा बुनेंगे या फिर स्लिप कर लेंगे। अब ऊन हमारा दूसरी तरफ है, अगला फंदा हमें उल्टा बुनना है तो जाली देते हुए उल्टा। अब यहाँ एक फंदा अधिक हो गया तो इसे बैलेंस करने के लिए हम तीन फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए तीन का एक कर लेंगे। यहाँ पे दो फंदे घटे, एक यहाँ बढ़ा था दो घटे तो अगले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। अब यहाँ पे दो फंदे घट गए थे तो अब क्या करेंगे, ये अगला फंदा सीधा बुनना है, इसे हम जाली देते हुए सीधा बुनेंगे। दो फंदे यहाँ घटे, एक जाली यहाँ पड़ा, एक जाली यहाँ पड़ा तो हमारा डिजाइन बैलेंस हो गया। अब इन्हीं छह फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है।
पहला फंदा ऊन दूसरी तरफ है, जाली देते हुए उल्टा, फिर तीन फंदों को एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए तीन का एक करेंगे, नेक्स्ट फंदा उल्टा, अगला फंदा सीधा बुनना है तो जाली देते हुए सीधा, फिर इन्हीं छह फंदों को हमें दोहराना है। बस डिज़ाइन एक ही लाइन में बन रहा है, बाकी हमें सीधा या उल्टा बुनना है। तो चार लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और इन्हीं चारों लाइनों को हमें दोहराना है। ये हमारा दूसरा डिज़ाइन पड़ रहा है और छह लाइन डिज़ाइन डाल के मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने छह डिज़ाइन बना लिया है, 1 2 3 4 5 6, और चूंकि ये आस्तीन है तो अब हम फंदे डिक्रीज करेंगे, तो हम टोटल छह फंदे डिक्रीज करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, इस लाइन में हमें सभी फंदे सीधे बुनने हैं, तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। यहाँ हमने एक फंदा डिक्रीज किया, फिर शेष सभी फंदे हम सीधा बुन लेंगे। सभी फंदे सीधा बुनते हुए मैं लास्ट में आ गई हूँ। अब तीन फंदे बचे हुए हैं, तो हम दो फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने दूसरा फंदा डिक्रीज कर लिया, लास्ट फंदे को हम सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो हमने पूरी लाइन उल्टी बना ली। अब हमारा ये डिज़ाइन वाला लाइन है, तो पहले फंदे को हमें स्लिप कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे हमने एक फंदा डिक्रीज किया था इस लाइन में, पिछली लाइन में हमने एक फंदा डिक्रीज किया था, तो यहाँ पे हमारे फंदे कम हो गए हैं। अब डिज़ाइन हम ना बना के चार फंदों को उल्टा बुन लेंगे, 1 2 3 4, क्योंकि हमारा छह फंदों में डिज़ाइन पड़ रहा है तो ये फंदे कम हो गए हैं, इसलिए हमने इसे उल्टा बुन लिया है। अब नेक्स्ट फंदा ये सीधा है तो इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब फिर यहाँ से हम डिज़ाइन शुरू कर देंगे। अब देखिए हमारा फंदा, हमारा धागा दूसरी तरफ है, तो अब यहाँ से हम डिज़ाइन शुरू करेंगे। एक फंदा उल्टा बुना, जाली देते हुए उल्टा, फिर तीन फंदों को हम एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए तीन का एक कर लेंगे, अगला फंदा उल्टा और नेक्स्ट फंदा जाली देते हुए सीधा। तो इन्हीं छह फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट के डिज़ाइन के बाद सीधे फंदे के बाद से हम इन पांच फंदों को, पांच फंदों में से चार फंदे उल्टे बुनेंगे और लास्ट फंदा सीधा। मैं यहाँ आके आपको दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने जाली देते हुए सीधा बुन लिया है। अब यहाँ से हमारा दूसरा डिज़ाइन शुरू होगा, लेकिन हमारे पास पूरे फंदे नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको अपनी ओर कर लेंगे और फिर इन चार फंदों को, पांच फंदों में से चार फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा, लास्ट फंदे को हम सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो फंदे घटाने के बाद, डिक्रीज करने के बाद ये हमने चार लाइन बुन लिया है। अब अगली लाइन में हम सभी फंदे सीधे बुन लेंगे और नेक्स्ट लाइन में सभी फंदे उल्टे। तो इतना बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। हमने छह डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे फंदा घटाया था और ये फंदा घटाने के बाद से सातवां लाइन है और डिज़ाइन का ये आठवां डिज़ाइन। तो यहाँ पे हम फिर फंदे घटाएंगे, पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेते हुए उल्टा बुनेंगे। क्योंकि ये डिज़ाइन का लाइन है इसलिए हम यहाँ पे उल्टे में फंदे घटा रहे हैं। यहाँ पे हमने दो फंदों को एक साथ लेते हुए उल्टा बुना,
दो का एक किया, फिर दो फंदे उल्टा, अब उन दूसरी ओर करेंगे, अगला फंदा सीधा, और फिर यहाँ से हमारा पैटर्न शुरू हो जाएगा, यानी जाली देते हुए उल्टा, फिर तीन फंदों को एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए तीन का एक करेंगे, फिर एक फंदा उल्टा और नेक्स्ट फंदा जाली देते हुए सीधा। अब इन छह फंदों के डिज़ाइन को हम इन्हीं छह फंदों को हम पूरी लाइन में दोहराते जाएंगे। लास्ट के पांच फंदों तक पहुँच के मैं आपको दिखाऊंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, लास्ट के पांच फंदे बचे हैं तो उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदा को उल्टा बुन लेंगे और फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे। अब तीन फंदे बचे हैं तो दो फंदों को एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे, उन दूसरी ओर नेक्स्ट फंदा सीधा और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो यहाँ पे इस लाइन में हमने फिर दो फंदे घटा दिए, यानी हमने चार फंदे घटा दिए और हमें दो फंदे और घटाने हैं। टोटल हम छह फंदा घटाएंगे, तो दो फंदे हमें और घटाना है, जो कि ये हमारा दूसरा लाइन चल रहा है। अब हम हर सातवीं लाइन में फंदे घटा रहे हैं, तो ये दूसरा लाइन चल रहा है और नेक्स्ट पांचवी लाइन में हम फंदे घटा देंगे। तो इस लाइन में हमें सभी फंदे उल्टा बुनना है, तो मैं उल्टा बुन लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारे नौ डिज़ाइन कंप्लीट हो गए हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और नौ, और इस लाइन में हमें सभी फंदों को सीधा बुनना है, लेकिन इसी लाइन में हमें फंदों को घटाना भी है। तो सीधा बुनते हुए हम दो फंदों को एक करेंगे, पहला फंदा लिया फिर दूसरा फंदा, दोनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने पांचवा फंदा घटा दिया, शेष सभी फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमने सभी फंदों को सीधा बुन लिया, अब लास्ट के तीन फंदे बचे हैं, तो दो फंदों को एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे। यहाँ पे हमने छठा फंदा भी घटा दिया और लास्ट फंदा सीधा। तो नौ डिज़ाइन कंप्लीट हो गए हैं और हमें 12 डिज़ाइन बनाना है। तो अब हमें कोई फंदे घटाने नहीं हैं, बस हमें डिज़ाइन को आगे बढ़ाना है। तो 12 डिज़ाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 12 डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, 12 डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है और इस समय इसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर के आसपास है। अब हम दो लाइन और बुनेंगे, सामने से सभी फंदे सीधे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दो लाइन कंप्लीट कर दिया, अब हम उल्टा उल्टा बुनते हुए छह लाइन का बॉर्डर बनाएंगे, सामने से भी उल्टा और रॉन्ग साइड से भी उल्टा, छह लाइन का हम बॉर्डर बनाएंगे और छठे लाइन में हम सभी फंदों को क्लोज कर देंगे। ये फ्रेंड्स, मैंने पांच लाइन कंप्लीट कर लिया, तीन उल्टे फंदों की धारियां सामने से आ गई हैं और दो पीछे से, और अब ये हमारा छठा लाइन है और ये हमारा लास्ट लाइन है, इसमें हम सभी फंदों को क्लोज करेंगे, उल्टा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को उठा के आगे वाले पे चढ़ा देंगे, नेक्स्ट फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे चढ़ा देंगे, उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को उठाएंगे, आगे वाले पे चढ़ा देंगे। इसी तरह करते हुए हम सभी फंदे क्लोज कर लेंगे। तो जब हम पीछे से क्लोजिंग करते हैं तो देखिए कितना सुंदर ये चेन बन के आता है, देखिए। तो हम सारे फंदे रॉन्ग साइड से बुनते हुए हम सारे फंदे क्लोज कर लेंगे। तो क्लोज करके मैं आपको दिखाती हूँ।
देखिए फ्रेंड, मैंने सारे फंदे क्रोच कर दिए हैं और देखिए कितना सुंदर चेन बन के आया है। अब हम लास्ट चेन को ऐसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसमें से धागे को निकालेंगे और काट लेंगे। थोड़ा लंबा धागा काटेंगे क्योंकि इससे हमें सिलाई करनी होगी। तो हमारी आस्तीन देखिए बन के तैयार हो गई है। देखिए डिज़ाइन कितना सुंदर लग रहा है। और इसी तरह हम दूसरा आस्तीन भी बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने दूसरा आस्तीन भी तैयार कर लिया है और ये देखिए कैसा दिखाई दे रहा है। फ्रेंड, इसके साथ ही हमारा ये पार्ट समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका घेरा बनाएंगे। तो यदि आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।